Hi children, how are you? Today we are going to study the subject SST, Social Science. Lesson number 1 in SST is It's Me. It's Me ka matlab, ye main hoon. This is a lesson in which we are going to learn to introduce oneself. We have to learn to introduce ourselves. हमको अपना खुद का परिचय देना आना चाहिए. And the second thing that we learn here is learning to provide information about oneself. हमको अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूसरों को देना आना चाहिए. आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए. Very good. आपके बुक में पेज नंबर 5 पर ये पिक्चर दिया गया है. देखिए वो लड़की. हेलो आई एम सौम्या, लुक एट माय फोटोग्राफ. उसने अपना फोटोग्राफ भी वहां पर लगा के रखा है. और वो फिर कहती है आई एम 6 इयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 1, माय निकनेम इज सोमू, माय बर्थडे फॉल्स ऑन अक्टूबर 11. क्या क्या बताती है वो अपने बारे में? सौम्या हमको बताती है कि वो 6 साल की है. एंड शी स्टडीज इन क्लास 1, क्लास 1 की विद्यार्थी है. माय निकनेम इज सोमू. निकनेम मतलब मम्मी पापा भाई बहन, घर में हमें जो प्यार से नाम बुलाते हैं उसे निकनेम कहते हैं. और सौम्या का घर का निकनेम क्या था? सोमू. My birthday falls on October 11. उसका जन्मदिन कब था? October 11. फिर देखिए सौम्या हमें और क्या क्या जानकारी देती है अपने बारे में. देखिए वो कहती है मेरे माता पिता से मिलो, मेरे मित्रों से मिलो, meet my parents and friends. This picture is of my last birthday. तो अपने जीवन की एक यादगार फोटो उसने वहां पर लगा कर रखी है ना, वो फोटो जहां पर वो अपने मम्मी पापा और फ्रेंड्स के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. ओके? तो अब आपको क्या करना है? देखा ये पिक्चर? पेज नंबर 6 में आपके बुक में ये पिक्चर दिया गया है. वहां पर एक डब्बा दिया हुआ है. The box, in that box, you have to paste your own photograph. आपका खुद का photograph आपको वहाँ पर लगाना है. Okay? और फिर उसके बाद में हमें बताना है अपने बारे में. क्या लिखेंगे आप? My name is, आपका जो भी नाम है. I am dash years old, मतलब आपकी जो भी उम्र है. अगर आपकी उम्र 6 years है तो आप लिखेंगे I am S-I-X, 6 years old. अगर 7 है तो आप लिखेंगे S-E-V-E-N, 7 years old. अगर 5 years old है तो क्या लिखेंगे? I am F-I-V-E, 5 years old. My nickname is, आपके मम्मी और पापा आपको घर में क्या बुलाते हैं? जो भी नाम से आपको पुकारते हैं आपको वहां पर लिखना है. अपनी मम्मी पापा से पूछना मम्मी इसका स्पेलिंग क्या है, आप लिख कर बताइए, तो मम्मी आपको लिख कर बताएगी. आई स्टडी इन क्लास डैश. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास फर्स्ट में. ऑब्वियसली आप लोग अभी क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं. यूकेजी से छलांग लगाकर आप लोग क्लास 1 में पहुंच गए. माई बर्थडे फॉल्स ऑन डैश. आपका बर्थडे कौन से दिन आता है? हमको भी बताना, हम भी आएंगे आपके घर केक खाने के लिए. ओके? सो यू हैव टू राइट दैट देयर. माय बर्थडे फॉल्स ऑन डैश डेट. अब क्या करना है? आपको आपके बर्थडे का, या आप अपनी मम्मी पापा के साथ में कहीं पिकनिक गए होंगे, उस पिकनिक का फोटो अगर आपके पास में है, या आपके किसी रिश्तेदार की शादी में आप गए हैं, वहां पर उस पिक्चर में ध्यान रहे आप होना चाहिए, आपके मम्मी पापा होने चाहिए, आपके मित्र होने चाहिए. ओके? सो विद योर पेरेंट्स यू शुड आल्सो हैव योर फ्रेंड्स अलोंग विद यू देयर इन द पिक्चर. ओके? सो यू हैव टू फिक्स अ पिक्चर, यू हैव टू पेस्ट अ पिक्चर ऑफ सम मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ.
Okay, there is one more activity. एक और activity है, देखिए, tell more about yourself. I like to, what do you like to play? I like to play cricket. What do you like to play? Cricket, football, ludo, hide and seek, मतलब छुपन छुपाई, या carrom board. जो भी आपको पसंद है उसे आपको टिक करना है. अगर जो पसंद नहीं आता है, अगर इसमें से कोई आपको पसंद नहीं है, तो आपको जो भी खेल पसंद है तो आप नीचे में उसे लिख सकते हैं. आपको तभी लिखना है नीचे जब आपकी पसंद का कोई भी गेम यहां पर नहीं आप देखते हैं. द नेक्स्ट वन इज आई लाइक टू वियर. क्या पहनना अच्छा लगता है आपको? जीन्स, शर्ट, फ्रॉक, ट्राउजर, कोट. अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगता है शर्ट एंड ट्राउजर. अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप नीचे में लिख सकते हैं. ओके, आई लाइक टू ईट राइस एंड दाल, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग एंड मीट. क्या पसंद है आपको खाने में? फ्रूट्स. वाओ, तो फ्रूट्स पर टिक कर देना. अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको पसंद है तो आप नीचे में उस पसंदीदा चीज के बारे में लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं. ओके ओके चिल्ड्रेन, नाउ व्हाट शैल वी डू? देयर वी हैव द होमवर्क. होमवर्क करना है, कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस इन द बुक एज वेल एज इन द नोटबुक. तो आपको आपके बुक में भी एक फोटो चिपकानी है, आपके नोटबुक में भी आपको फोटो चिपकानी है. जैसे आप बुक में कंप्लीट करते हैं वैसे ही आप नोटबुक में भी अपनी डिटेल्स को लिखकर कंप्लीट करेंगे. आस्क मम्मी एंड डैडी टू टॉक टू यू मोर इन इंग्लिश एंड लर्न टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. मम्मी के पास में जाना जब मम्मी किचन में काम कर रही है और पापा पेपर पढ़ रहे हैं, तो पापा से कहना आप मुझसे अंग्रेजी में बात करिए, मुझसे पूछिए मेरा नाम और मुझे इंट्रोड्यूस करना सिखाइए. ओके ओके चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Goodbye and stay safe. God bless you.